Endangered species of Pakistan. Among the endangered species of Pakistan, a very important animal is Marco Polo sheep. Jaisa ki naam indicate kar raha hai, this is Marco Polo. It is named after its explorer. Jinhone 13th century mein jab bahut zyada cheezon ko explore karna shuru kiya to unki travel guides mein is sheep ko ka bahut zyada zikr aaya gaya. Is hawale se is sheep ko commonly Marco Polo sheep hum log pronounce karna shuru ho gaye. So Marco Polo sheep is one of the 9 Argali subspecies. Basically is species is animal ke almost this is a wild sheep actually. Iske kafi zyada species hain aur agar aap iske naam pe jaye scientific name ke upar to this is Ovis amonpolae. Usually the scientific name is binomial, that it comprised of 2 words, but here this is comprised of 3 words. Jo first 2 words hain obviously wo ek complete species ko represent kar rahe hain, but the word polae it represents that this is one of the subspecies. So ye major species ki ek subspecies hai. Ye jo word hai argali, inko commonly argalis kyun kaha jata hai, because argali mongolian derivative word hai. Jo mongolia area hai wahan par जो वाइल्ड शीप्स होती हैं उनको आर्गलीस कहते हैं. सो इस रेफरेंस से दे आर कॉल्ड एज आर्गली शीप्स. इट इज़ द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड शीप. एंड अगर हम इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑब्वियसली ये वेरियस एरियाज में एग्जिस्ट कर रही है. मुख्तलिफ रेंजेस हैं, ये हिमालयज में भी पाई जा रही है, ये ओपन एरियाज में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एनिमल्स, बहुत टॉप हाइट के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो इस रेफरेंस से इनकी जो जनरल कलरेशन है वो वेरी कर रही होती है कि वो किस एरिया में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट जनरली दे आर फ्रॉम लाइट येलो टू रेडिश ब्राउन टू डार्क ग्रे ब्राउन. आर्गलीज फ्रॉम द हिमालयज आर यूजली रिलेटिवली डार्कर. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस के वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. जितनी भी इसकी स्किन टोन है या जो कलरेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही होती है. रशियन आर्गलीज आर ऑफन रिलेटिवली पेल. फिर वही बात दैट द कलर रेंजेस और द कलर डिफरेंसेस एक्चुअली दे आर ड्यू टू द रेंज, दे आर ड्यू टू द एरिया इन विच दे आर रिजाइडिंग और इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. द लेग्स एंड बेलीज आर क्रीमी वाइट विदाउट एनी डार्कर पैटर्न ऑन द फ्रंटल एरिया. द नेक इन द रैम्स टेंड टू बी हैवी एंड मस्कुलर. आर्गली के जो मेल इंडिविजुअल है दे आर कॉल्ड रैम्स. उनके अंदर जो इनके मसल्स हैं या जो इनकी नेक्स हैं दे आर कंपेरेटिवली मस्कुलर. एंड यही एक बहुत कॉमन फीचर होता है फीमेल से डिफ्रेंशिएट करने में. द टेल इज़ शॉर्ट एंड नॉट बुशी. इन बोथ सेक्सेस द लेग्स अपीयर रिलेटिवली लॉन्ग एंड सिलेंडर. यू कैन सी इन द फिगर दैट यहाँ पर इसका अगर आप टॉप पार्ट देखें तो ये ब्राउनिश इन कलर है, जबकि उसके मुकाबले में जितनी भी इसकी लेग्स हैं, इसकी बटक्स हैं, वो क्रीमी कलर की हैं. इन द फिगर आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इसके हॉर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये एक बड़ा कॉमन फीचर होता है. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हॉर्न्स एंड एंटलर्स. जो हॉर्न्स होते हैं दे आर एक्चुअली द परमानेंट, वाइल जो एंटलर्स हैं वो परमानेंट नहीं होते. और एंटलर्स में वेरियस तरह की ब्रांचेज होती हैं, द ब्रांचेज आर कॉल्ड टाइन्स. सो इस केस में ये टाइन्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसमें कोई इस तरह के ब्रांचेज नहीं है, सो इनको हॉर्न्स कहते हैं. जबकि जो एंटलर्स होते हैं वो ईयरली बेसिस के ऊपर शेड होते हैं और अकॉर्डिंगली दोबारा भी आ जाते हैं. द फेस टेल एंड द बटक्स आर येलोश वाइट. द मेल हैज़ अ वाइटिश नेक रफ एंड अ डॉर्सल क्रेस्ट एंड इज यूजली स्लाइटली डार्कर इन कलर दैन फीमेल्स. मेल्स हैव टू लार्ज कॉर्कस्क्रू शेप्ड हॉर्न्स. जिस तरह अभी हमने बात की कि इन एनिमल्स में देर आर हॉर्न्स जो परमानेंट फीचर होता है. That is actually a bony part which is covered with a keratin. ये keratin वही protein है जिससे हमारे nails और hairs बने हुए होते हैं. So इनमें जो इनके horns हैं they are made up or covered rather with the keratin, जो bony part के ऊपर एक shell चढ़ा हुआ है, खोल चढ़ा हुआ होता है. And they are permanent, जबकि जो antlers होते हैं वो yearly basis पे shed हो जाते हैं. These antlers overall jo animals hain they are measuring from 190 centimeters in length, weighing up to 23 kgs. Males uses their horns for competing with one another. This is a very important
फीचर दैट जितने ब्यूटीफुल इसके हॉर्न्स होंगे उतना ही एनिमल ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और शायद यही वजह होती है कि इन एनिमल्स को इनकी ट्रॉफीज़ के लिए हंट किया जाता है, क्योंकि इन एंटलर्स की ब्यूटिफिकेशन की वजह से जो हंटर्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और डेफिनेटली इनकी किलिंग का जो मसला है वो भी फिर डेफिनेटली आ जाता है. सो अगेन फॉर द मेट, फॉर द रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए इन्हीं एंटलर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है. मेल एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं जस्ट टू गेट अ फीमेल पार्टनर फॉर रिप्रोडक्शन. फीमेल ऑल्सो कैरी हॉर्न्स बट दे आर मच स्मॉलर एंड दे मेजरिंग लेस देन 20 सेंटीमीटर इन टोटल लेंथ. हैबिटेट वाइज दे आर अल्पाइन एरियाज, दे मे बी रिजाइडिंग इन द हाई माउंटेन्स, स्नो फील्ड्स, जनरली अवॉइड फॉरेस्टेड एरियाज, प्रेफर टू ऑक्यूपाई ओपन एरियाज विद अ जेंटल स्लोप. जिस तरह हमने पहले ही बात की है कि ये हर जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. दे मे रेंजेस फ्रॉम द हिमालयज, समटाइम्स दे आर फ्रीक्वेंटली फाइंड इन द टॉप माउंटेनस एरियाज जिनमें हाई माउंटेन्स हैं, स्नो फील्ड्स हैं. सो ये हर जगह पर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. आर्गली फीड ऑन द ग्रासेज एंड सम हर्ब्स एंड लाइकेंस, दे रेगुलरली ड्रिंक ओपन स्प्रिंग एंड रिवर्स. Arglies are gregarious and live in the groups from 2 to 150 individuals. Gregarious aise animals hote hain which are social. They usually not prefer to be isolated. Akele rehna nahi pasand karte, groups ki form mein move karte hain, aur bahut social animal hain. Sometimes ye group 2 3 4 individuals par mushtamil ho sakta hai. Sometimes there is a big herd jo 150 tak bhi exceed kar jata hai. Gestation is about 160 days. Female give birth to one offspring. Twins are occasionally reported. Mothers separate from the herd to give birth and remain alone with her offspring for several days. This is actually the nursing behavior. जब भी individual की birth होने वाली होती है उस वक़्त जो female है obviously अपने baby के साथ separate out हो जाती है, और तब तक separate out रहती है जब तक कि उसका जो individual है या जो फीटस है वो प्रॉपरली डेवलप होके पूरी तरह से उसकी नर्सिंग ना परफॉर्म की जाए, तब तक शी रिमेन्स अलोन. फीमेल्स आर सेक्सुअली मैच्योर एट 2 years, जबकि ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले में ये ज़रा लेट आती है. इट मे सेक्सुअली मैच्योर आफ्टर 5 years. मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज 10 to 13 years. ये जो लाइफ स्पैन जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली ये वाइल्ड के अंदर रिपोर्टेड है, जबकि कैप्टिविटी में इसका जो लाइफ स्पैन है वो इससे ज़्यादा भी रिपोर्टेड है. अप टू 15 years इट हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, क्योंकि ये एनिमल्स कॉमनली एग्जिस्ट कर रहा है, वाइल्ड एनिमल है, और इट्स अ हर्बीवोर. सो इस हवाले से इसके जो कॉमन प्रीडेटर्स हो सकते हैं उनमें वुल्व्स शामिल है, जो इनके प्राइमरी नेचुरल प्रीडेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं.